हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। देखिए, काफ़ी टाइम से हम पेन फ्री हैबिट्स की सेशन लेकर आ रहे हैं। लगभग 8 से 9 सेशन हो चुके हैं लगभग। तो देखिए, पेन फ्री हैबिट्स के जो सेशन है लगातार कंटिन्यू भी रहेंगे। ऐसे जैसे आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने कराया, आज की क्लास में मैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन लूँगा। ये सारे क्वेश्चन ना 17 मेंस के हैं, यानी ये 17 मेंस के ही क्वेश्चन मैंने इसलिए चूज़ करे हैं कि काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि भाई पेपर मुश्किल आया मुश्किल आया मुश्किल आया। मैं कह रहा हूँ पेपर जो मुश्किल लग रहा है आपको, उसमें बहुत बड़ा पार्ट ऐसा भी है जो बहुत आसान है, और वो केवल हमारी हैबिट पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपने लास्ट सेशन में भी देखा होगा, लास्ट सेशन में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे थे, और वो सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको बिना पेन के करके दिखाए थे। और बिना पेन के वो क्वेश्चन केवल इसलिए हो सकते हैं अगर आपकी रूटीन हैबिट है तो जैसे जैसे जो जो बच्चे सेशन देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, तो उनको भी थोड़ी थोड़ी आदत तो लगी गई होगी कि भाई हाँ, बिना पेन के भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम बात बात पे मतलब में पेन से लिखे जा रहे हैं उस चीज़ को। तो देखिए, आज भी 17 मिनट्स के क्वेश्चन लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। एक व्यापारी ₹30 प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है, जिसमें 20% व्यर्थ हो जाता है, यदि वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है कि उसे कुल 40% का मुनाफा हो, तो वह कितने रुपए प्रति किलोग्राम में उन्हें बेचे। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, डिपेंड आप पे करता है कि आपकी अप्रोच क्या रहती है। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं इसके। अब देखिए, ध्यान से समझने वाली बात ये है, अगर आप बहुत आराम से ये देखते हैं कि 30 रुपए की आप चीज लेकर आए प्रति किलोग्राम के हिसाब से, उसमें से 20% वेस्ट हो गई, यानी बची केवल 800 ग्राम। 800 ग्राम आपको ने बेचनी है, ठीक है, और 40% फायदा कमाना है। 40% किसका फायदा कमाना है? 30 का फायदा कमाना है आपको, 40%। तो 40% 30 का हो गया, यानी 14 * 3 = 42, यानी 42 रुपये। तो 42 रुपये में आप 800 ग्राम बेच रहे हैं, 800 ग्राम 42 रुपये में, तो 1000 ग्राम कितने रुपये में, ये आपको निकालना है। इसके लिए चाहे आप DS भी लगा सकते हैं। दोबारा से समझते हैं, देखिए, 800 ग्राम 42 रुपए में, 1000 ग्राम कितने रुपए में। तो आपने देखा जो अंकों का योग होगा वो 3 होगा। अंकों का योग 3 कैसे होगा? 800 की वैल्यू अगर 42 है, आपको निकालनी है 1000 ग्राम की। तो DS मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जो हम काफ़ी जगह इस्तेमाल करते हैं। तो 8 के अंकों का 8 अगर यहाँ पर आ रहा है तो 8 डिनोमिनेटर में जाएगा और 8 गुणा हो जाएगा। तो आपने देखा 42 के अंकों का योग 6, 6 * 8 = 48, यानी 3। तो जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा 8 * 4 = 12, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो DS पे हमने ये क्वेश्चन किया। देखिए, DS पे और MG कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन काफ़ी कर सकते हैं, या आप ये भी देख सकते हैं। देखिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर ना मल्टीपल डायरेक्शन खुलती है, ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही तरीके से कर सकते हैं। अभी आपको बताया गया कि भाई 800 ग्राम जो कीमत है, 800 ग्राम की कीमत है 42 रुपये, आपको 1000 ग्राम की निकालनी है। 800 और 1000 का अनुपात क्या हो गया? 4:5। तो 4 की वैल्यू अगर 42 है, 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। 4 की वैल्यू अगर 42 है तो यानी 10.5 गुना, 5 का 10.5 गुना करेंगे, 52.5 आ जाएगा। तो 52.5 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, अगर मैं केवल सीधा सीधा ही देखता हूँ कि 40% ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए, यानी जो भी वैल्यू होगी
उसका 140% आप निकालेंगे, 140% निकालेंगे तो 7 का मल्टीपल आएगा एमजी कॉन्सेप्ट। 7 का मल्टीपल मैं देखता हूं तो ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो केवल सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको तीन तरीके से बताया, अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, पॉज कर करके देखिएगा। पर आप ये देखिए कि पेन नहीं लगाया मैंने किसी भी एक मेथड में, और बिल्कुल बेसिक चीज़ बताई है आपको, बहुत बड़ी चीज़ नहीं बताई। डीएस कॉन्सेप्ट बताया, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले बहुत सारी वीडियो डीएस पे आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, यदि कोई विक्रेता ₹69 प्रति किलोग्राम यदि कोई विक्रेता ₹69 में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% हानि होती है, यदि वह ₹16 का मुनाफा कमाना चाहता है तो वह उसे कितने में बेचेगा। अब देखिए अगेन क्वेश्चन बहुत अच्छा है और डायरेक्ट ही आप देख सकते हैं इसके अंदर भी, बात समझनी है। देखिए मैं क्लास में भी कोशिश यही करता हूँ, ठीक है, आप में से जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कि भाई चीज़ों को केवल समझा जाए, समझ के हम केवल आंसर निकाल लें, क्या रखा है फॉर्मूले याद करें, प्रॉपर्टी इतनी याद करें, फॉर्मूले लगाएं स्पेसिफिक किसी चीज़ के लिए, तो बात को समझना है। 8% हानि के बाद यानी 92% की वैल्यू दे रखी है, कितने रुपये, 69 रुपीज़, और वैल्यू आपको निकालनी है किसकी, 116 की। 92 की वैल्यू आपको दे रखी है 69, 116 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए आप अगर डीएस लगाते हैं, 92 का डीएस जाएगा 2, वो नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आता है तो ऊपर 5 से गुणा हो जाएगा, तो यानी ये 6 × 5 = 30 हो जाएगा, यानी 3। 116 क्या हो गया, 6 और 2 = 8, 8 हो गया, 8 × 3 क्या हो गया, 24, 24 का मतलब हो गया 6, तो जिसके अंकों का योग 6 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, यानी अगेन डीएस पे क्वेश्चन गया। एक बार मैं लिख देता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत है तो, देखिए अगर दिक्कत है ना डीएस की वीडियो दोबारा से देखिएगा आप, ये देखिए आपने देखा 92% की वैल्यू है 69, आपको निकालना है 116 की, आपको बताया गया था कि भाई अगर ये लगाते हैं आप तो इसका डीएस नीचे आ जाता है, इसका डीएस नीचे आएगा तो 2 ऊपर जाएगा तो 5, तो 6 × 5 = 30 यानी 3, 3 × 8 = 24 यानी 6, जिसके अंकों का योग 6 वही ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इसी के अंदर मैं एक चीज़ और देख सकता था, अगर मैं एमजी कॉन्सेप्ट लगाता, एमजी कॉन्सेप्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एमजी कॉन्सेप्ट डीएस, आप ये देखिए ना प्रीवियस जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ लगातार, वो ऐसा तो नहीं है कि डीएस कॉन्सेप्ट मैंने अब निकाला है या एमजी कॉन्सेप्ट मैंने अब बताया, तो ये चीज़ें बहुत पहले से मैं बताता आ रहा हूँ, उस पर बेस क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, एक करने का अप्रोच है बेसिकली। वो आपने देखा 116% आपको निकालना है, 116% किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो आपने देखा 116 के अंदर क्या आ रहा है, 116 के अंदर आ रहा है 29, तो ऐसा ऑप्शन आंसर होगा जो 29 से भाग होगा, आपने देखा सी ऑप्शन सीधा आंसर हो गया। तो मेरे को करना होगा तो मैं इस तरीके से करूंगा, यहाँ पर एम जी कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पच्चीस आइटम की कीमत ये सारे क्वेश्चन 17 में इसके हैं और एक ही एग्जाम के हैं, 25 आइटम की कीमत एक्स आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है तो एक्स का मान क्या होगा, यदि इस लेन देन में
प्राप्त हुआ लाभ 25% है। देखिए ध्यान से समझने वाली बात है, 25% है लाभ, यानी 25% लाभ का मतलब क्या हुआ, 25% लाभ का मतलब हुआ 1/4। इसका मतलब 4 अगर सीपी है तो 5 एसपी होगा, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया, 4:5। अब आप देखते हैं ये बीच में बराबर साइन आ गया सेम, तो आप ये देखते हैं कि सीपी का 25 गुना एसपी के एक्स के बराबर है, तो एसपी की वैल्यू 25 आ गई, सीपी की एक्स आ गई। ये मैं क्लास में भी बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि अगर बीच में इक्वलिटी का साइन आ गया तो पहले वाले के साथ जो लिखा है वो दूसरे की वैल्यू होती है, दूसरे वाले के साथ जो लिखा है वो पहले की वैल्यू होती है। तो आपने देखा सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आ गई, एसपी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, पर आपने सीपी और एसपी का रेशियो पढ़ा 4:5, 5 की वैल्यू अगर 25 है तो 4 की कितनी होगी, 20, 20 आपका आंसर हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट रख के भी देख सकते हैं, आपने देखा 25 की कीमत 20 के बराबर है, तो 20 हो गया सीपी और 25 हो गया एसपी, तो फायदा कितना हुआ, 5/20 यानी 25%, तो ये आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि हम जो बार बार कैलकुलेशन करते हैं वो वाला पार्ट आप सभी में अवॉइड कर सकते हैं। किसी वस्तु को 7130 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, अब देखिए अगर मैंने केवल इतना ही लिखा है, ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, तो मेरे को ये पता है कि आपको सब लोगों को ये पता है कि भाई इसका 15% यानी 115% की वैल्यू ये दे रखी है और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, 115 की है, 100 की निकालनी है, पर देखिए फाइनल क्या किया आपने, फिर कैलकुलेशन पे चले गए ना, और कैलकुलेशन अगर अवॉइड करनी है तो आपको ऑप्शन पे आना पड़ेगा, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। अब मैं ऑप्शन लिखता हूँ, इसके ऑप्शन है इसके 6,6125, 6,6250, 6,6200। अब आप देखिए 115 की वैल्यू 7130 है, अगर मैं डीएस निकालता हूँ, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 100 के अंकों का योग क्या है, 1 है, 1 गुणा हुआ किससे, 7130 से, यानी 4 हो गया, 7 × 3 = 10 और 11 यानी 2 हो गया, 2 को 1 से गुणा किया 2 आ गया, 115 के अंकों का योग अगर आप देखते हैं तो 7 होता है, 7 नीचे जाता है तो 7 ऊपर आता है, डीएस की क्लास में हमने सब चीज़ें पढ़ी हैं, तो 2 × 7 = 14 यानी 15, ठीक है, यानी 5, 2 × 7 = 14 यानी 5। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, देखिए दोबारा से एक बार ध्यान से देखते हैं, आपने देखा कि भाई 115 यूनिट की वैल्यू 7130 है, 100 यूनिट की कितनी होगी, बात समझिएगा, 115 7130 100 की कितनी, 7130 के अंकों का योग 2 हो गया, इसके अंकों का योग 1 हो गया, 2 × 1 = 2 डिवाइड बाय 115 यानी 7 हो गया, 7 नीचे होता है तो 4 ऊपर आता है, तो 2 × 4 = 8 हो गया आपका, ठीक है, तो जिसके अंकों का योग 8 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, यानी 6200 आपका आंसर आ जाएगा। आप ये देखिए इसमें मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया बिल्कुल भी, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई कि भाई डीएस आपको बता रखा है, एमजी कॉन्सेप्ट का भी काफ़ी कुछ एक पार्ट मैंने बता रखा है आपको, ठीक है, बाकी वीडियोस में अलग अलग क्वेश्चन में यूज़ हुआ है, साथ के साथ कैलकुलेशन पार्ट तो हमें पता लग गया। अब जब मैं क्वेश्चन करता हूँ, जैसे मैं बात बात पर लिख रहा हूँ कि भाई 115 की वैल्यू ये हो गई, क्योंकि सिखाया ये जा रहा है 100 की वैल्यू क्या होगी, आप ये कर रहे हैं कि भाई 7130 ऊपर आ गया, 115 नीचे आ गया, इंटू 100 हो गया, 5 से काट रहा हूँ मैं 23 हो गया, 5 से काट रहा हूँ मैं 20 हो गया, फिर मैं 23 से काट रहा हूँ इसे, 23 × 3 = 69 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, इसे गुणा कर रहा हूँ 6,200 हो गया, पर ये क्या हो गया, आप ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, आप ये काटे ही जा रहे हैं, आप इसे कैलकुलेशन करे ही जा रहे हैं, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप डेली रूटीन में पढ़ भी ऐसे ही रहे, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी,
डीएस का कॉन्सेप्ट आपके पास है जो आप बहुत अच्छा हथियार के तौर पे यूज कर सकते हैं, और मैं क्लास में भी तो वही यूज कर रहा हूँ, डीएस का कॉन्सेप्ट और एमजी कॉन्सेप्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इतना पार्ट नहीं लिखते पेपर में कभी भी, जब मुझे पता है कि पेपर क्वेश्चन ये करना है तो मैं अंकों के योग पे काम क्यों नहीं कर सकता। ये दो हो गया, नीचे सात तो ऊपर चार, दो चौक आठ यानी आठ, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम एमजी कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं काफी जगह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 6 रुपए में 7 केले खरीदता है, और 7 रुपए में 6 की दर से बेचता है, तो इसका परिणाम क्या होगा। देखिए 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है ये सारे। 36.1% लॉस, 26.5% फायदा, 36.1% प्रॉफिट, 26.5% लॉस, ये आपको दे रखा है। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी लिया था। अब देखिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो लेने ही पड़ेंगे, चाहे वो सेम हो या अलग हो। आपने देखा, मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि अगर हम क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी मेरे को केवल यही बात पता लग जाए कि मैं इतने की चीज़ खरीद रहा हूँ और बाजार में इतने की बेच रहा हूँ, तो मैं फ़ायदा परसेंट और नुकसान परसेंट निकाल सकता हूँ। पर यहाँ क्वांटिटी है तो क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। इसे छः से सात से 36 रुपये में चीज़ खरीदी, 49 में बेच दी, 36 रुपये में चीज़ खरीदी, 49 में आपने बेच दी, तो 36 की चीज़ 49 में बेची तो 13 रुपये का फ़ायदा हो गया आपको। और 13 रुपये का अगर आपको फ़ायदा हुआ 36 रुपये पर, तो आप देखते हैं अगर 12 का फ़ायदा होता तो 33.33 आता, और फ़ायदा हो रहा है 13 का, तो फ़ायदा लगभग इतना आएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखने वाली बात थी। अब इसके लिए ये थोड़ी है कि पहले आप लिखेंगे इसे कि भाई ये 7 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 7 है, ये रुपीज़ है, ये क्वांटिटी है, इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, फिर मेथड बना दिया, 36 हो गया खरीदेगी, 49 हो गया बेचने का, फिर आपने देखा 13 का फ़ायदा हो गया, 13/36 लिखेंगे, इंटू 100 लिखेंगे, फिर हम इसे काटे जा रहे हैं और फिर सॉल्यूशन निकाल लें, ठीक है। तो ये सारी गलतियाँ हैं जो हम पेपर में करते हैं। मैं बेसिकली आपको पेपर करने का तरीका ही बता रहा हूँ कि पेपर किस तरीके से किया जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर हीरा बेचता है, और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर किसी ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक इसके लिए 56 लाख रुपए देता है, तो खनिक को यह हीरा कितने रुपए का लाखों में पड़ेगा। अब देखिए ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन करने का तरीका देखिए डिपेंड करेगा आप पे, आप चाहे तो बिना लिखे भी कर सकते हैं और बन भी सकता है। देखिए बनाने का तरीका ये, जैसे कि आपने सीखा
कि भाई 140% निकाल लिया इसका, 140/100, फिर आपने निकाल लिया ये 125/100, फिर आपने निकाल लिया ये 56 है, और इसी से आपने वैल्यू सॉल्व कर ली। ठीक है, एक तरीका यही होता है जिससे आप निकालते हैं। अब आप दूसरा तरीका देखते हैं, आपने कहा कि भाई नहीं, हम ऐसे नहीं निकालते, हम इस तरीके से निकालेंगे कि भाई 40% का मतलब हो गया 2/5, यानी 5 की चीज़ 7 में। फिर दूसरा आपने देखा 25%, यानी 4 की चीज़ 5 में। फिर आपने देखा कि भाई 7 की वैल्यू अगर 56 है तो 4 की 32 हो जाएगी। ऐसा भी कर सकते हैं आप, पर कोशिश करिए ऐसा डायरेक्ट करें तो 7/5 हो गया, 5/4 हो गया, 7/4, 7 की 56, 4 की 32, तो सीधा आंसर आ जाएगा। इसी में आप डीएस भी लगा सकते हैं, अगर मैं डीएस लगाता हूँ तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। देखिए, अब आपको जब पता है ये 140 होगा तो ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, 5 × 8 = 40, 40 यानी 4, 4 नीचे जाता है तो 7, 2 × 7 = 14, 14 यानी 5, जिसके अंकों का योग 5 होगा वही ऑप्शन आपके आंसर हो जाएगा। किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा से पॉज करके देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है, वह उसका एक हिस्सा 20% मुनाफे पर और शेष को 12% मुनाफे पर बेचता है, तो उसे कुल 17% का मुनाफा होता है। तो उसने कितना गेहूं 20% मुनाफे पर बेचा? देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन बेसिकली एलिगेशन मिक्सचर का है, अगर आप ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल, एक को 20 पर, दूसरे को 12 पर, और टोटल 17, 20, 12, 17, 3, यहाँ पर 20, यहाँ 12, यहाँ 17, यहाँ 5, यहाँ 3, 5 या 3 का मतलब है 5:3 में बट डिवाइड किया गया, 5:3 का मतलब हो गया 8 की 16, तो 5 की 10, यानी 1000 आ जाएगा। देखिए, वो तो मैं आपके सामने ना इतना रुक रुक के बोल रहा हूँ, बाकी मेरा रिएक्शन टाइम इसके लिए बहुत फास्ट रहेगा, सीधा पता लग जाएगा मेरे को कि भाई 20 का है, 17 है, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, 5:3, 8 की वैल्यू 16, 5 की 10, 3 की 6, तो 1600 आपका आंसर आ जाएगा। 1000 यानी आपका आंसर होगा, क्योंकि 20% पे निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराने टू व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर ₹46,000 में बेचा और उसे कुछ हानि हुई, यदि वह उसे ₹58,000 में बेचता तो उसको होने वाला लाभ 2x होता। तो स्कूटर का क्रय मूल्य था, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए प्रैक्टिस वाला पार्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस ना बहुत मैटर करती है मैथ्स के अंदर, और प्रैक्टिस ऐसी पार्ट है कि आप जैसा बनाएंगे प्रैक्टिस में वैसी चीज आपकी हो जाएगी, तो प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन ही है,
बात समझिए बिल्कुल, मैं पूरी मैथ समझ चुका हूँ, पूरी मैथ जान गया, मेरे को सब पता लग गया कि भाई कौन सा मेथड है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब मैं केवल अपने एक्शन पे ध्यान दूंगा, क्योंकि फाइनली ना पेपर जब सामने क्वेश्चन आएगा मेरे, तो मुझे देख के रिएक्ट करना है और मेरे को आंसर करना है, तब सब पीछे हट जाएंगे और आप केवल अकेले रहेंगे। तो जो काम आप आज करेंगे ना वो आपके साथ रहेगा उस वक्त, तो आप ये चीज़ मान के चलिए। देखिए बात क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो कह रहा है कि 46,000 में बेचने पर कुछ हानि होती है। अगर मैं देखता हूँ ये 46,000 में बेचता है यहाँ पर तो हानि होती है, यहाँ 58,000 में बेचता है तो फायदा होता है, और जो गैप दे रखा है ये दे रखा है जितना यहाँ नुकसान होता है उससे दुगना यहाँ फायदा होता है, 1:2। देखिए लिखा नहीं है मैंने कुछ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, ये 1 तो ये 2। आपने देखा ये जो गैप बना ये कितने का बना, 58,000 और 46,000 यानी 12,000 का। तो 3 यूनिट की वैल्यू अगर 12,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू जो कि यहाँ पर है 4,000 रहेगी। 46,000 में बेचने पर 4,000 की हानि हो रही है तो 50,000 कीमत रही होगी, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 58,000 रुपये चीज़ की कीमत है, 3 यूनिट आपने निकाला, ठीक है, 4 यूनिट की वैल्यू 12 थी, 3 की आ गई आपकी 8, या आपने देखा है 12 यूनिट आ गई, 46,000 और 58,000, ठीक है, 1:2। 3 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 1 की 4, 2 की 8, इसमें से 8 घटाएंगे 58 में से 50 आ जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि 46 में 4 जोड़ेंगे तो भी 50 आ जाएगा। तो बहुत बड़ा मेथड थोड़ी लगाया हमने कुछ, बिल्कुल डेली लाइफ की कनेक्टिविटी है, पढ़ाई हमेशा इस तरीके से करिए, ऐसा नहीं है कि बात बात पे फॉर्मूला है या सर ने इस तरीके से कराया सर ने उस तरीके से कराया, आप चीज़ों को बेसिक तरीके से लीजिए और समझिए उस चीज़ को। जब तक आप समझेंगे नहीं ना ये सब बेकार है, पेन फ्री वैन फ्री डीएस एमजी सब फेल हैं, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हमने ये देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े कुछ एक क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके 17 मेंस में आए थे, 17 मेंस के ही क्वेश्चन है, आप मैच करके देखिएगा सारे लगातार पेपर के ही क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करूँगा आगे भी 17 मेंस के क्वेश्चन लेकर आऊँ जिसमें आप डायरेक्ट ही पेन फ्री हैबिट लगा सकते हैं, और आप ये भी देखेंगे जब मैं ज्योमेट्री वगैरह के सेशन लाऊंगा तब आप पेन फ्री किस तरीके से लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, जय हिंद।